हेलो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, इसमें क्या है, राइट 3.4573 बार इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हमें क्या करना है कि ये जो एक नंबर दे रखा है, डेसिमल नंबर, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इसे हमें क्या करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स को मान लिया 3.4573 बार, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3.45 प्लस 0. ठीक है, ये जो 0.0073 लिख दिया। अब तुम देखो 3.45 एंड 0.0073, इसको जब तुम ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 3.4573 बार। ठीक है, अब इस 0.0073 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.00737373 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, इसको हमने y अज्यूम कर लिया, क्या हमने बोल दिया y, तो y किसके इक्वल हो गया, 0.0737373। फिर इसको हमने कैसे लिखा, ये भी तो हमारा एक रिकरिंग डिजिट है ना, इसको हमने कैसे लिखा, ये क्या लिखा है, 0.0073 पे बार। ठीक है, फिर इसको हमने कैसे लिखा, 0.0073 प्लस 0.04 टाइम 0.73। अब इसको जब तुम ऐड करोगे ना, तो ऐड करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0.00737373 एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे हमने क्या किया कि फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 टाइम 0 है ना, तो इसको हमने एक्चुअली क्या किया, जैसे तुम ऐसे देखो, यहाँ पे y किसके इक्वल हो गया, y किसके इक्वल हो गया, y जो है वो 0.0073 प्लस 0.12347 बार इसके इक्वल हो गया। तो y को हम क्या लिख सकते हैं, y को हम लिख सकते हैं 0.0073 प्लस 0.00007373 एंड सो ऑन। ठीक है, तो y हमारा क्या हो गया, 0.0073 प्लस, इसको हमने क्या किया कि हमने इसको 10 से डिवाइड किया और 10 से मल्टीप्लाई किया, ये जो टर्म है ना, इसको 10 से डिवाइड किया और 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 0.00073 बार डिवाइडेड बाई 10 इंटू मल्टीप्लाई बाई 10 की जगह इसे हम लोग कर देते हैं 100 कर देते हैं। ठीक है, तो y किसके इक्वल हो गया, 0.0073। अब बच्चे पता है ना कि अगर हमने इसको इसको तुम देखो, जैसे तुम्हें यहां पे देखो, अगर तुम्हारे पास 3.84 लिखा है, इसको अगर तुमने मल्टीप्लाई किससे किया, 10 से, तो अगर तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, ये जो डेसिमल है ना, एक डिजिट आगे आ जाएगा। अगर तुमने किया 3.84, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका क्या मतलब हो गया, 3.384 ये किसके इक्वल है, अपॉन 100 इंटू 10, ऐसे हमने लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 338.4। तो डेसिमल क्या हो गया, एक डिजिट आ गया। तो अब ये बताओ, ये 100 है, 100 से मल्टीप्लाई किया, तो डेसिमल क्या हो जाएगा, दो डिजिट आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0. ये दो डिजिट आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0073 बार। ये 100 तो कैंसिल हो गया, 100 को हमने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया, तो डेसिमल दो डिजिट आ गया और अपॉन 100 हो गया। ठीक है, तो वाई क्या हो गया हमारे पास, 0.0073 प्लस 0.0073 बार इंटू, इस 100 को ऊपर ले जाओगे तो 10^-2। अब बताओ कि हमने y किसे अज्यूम किया है, y हमने अज्यूम किया है 0.0073 बार को। ठीक है बच्चे, तो y हमारा क्या हो गया, 0.0073 प्लस, इसको हमने y लिया है ना, तो ये क्या हो गया, y इंटू 10^-2, तो ये किसके इक्वल हो गया, 0.0073 प्लस y अपॉन 100, तो हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू 0.0073 प्लस y अपॉन 100, इसको हम लेफ्ट साइड में ले गए, तो y माइनस y अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.0073। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, 99 y अपॉन 100,
इज इक्वल टू 0.0073। तो यहाँ से y किसके इक्वल हो गया, देखो 0.0073 इंटू 100/99। ठीक है बच्चे, अब तुम यहाँ ध्यान दो, 100 से मल्टीप्लाई तो डेसिमल क्या होगा, दो डिजिट आगे आ जाएगा, तो ये क्या होगा 0.73/99। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 73/9900। ठीक है, ये y की वैल्यू मिल गई हमें। अब हमारे पास जो x है, x किसके इक्वल है, 3.45 + y के इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3.45 + y क्या है, 73/9900। x क्या हो गया, 100 प्लस 73/9900। ठीक है, तो इसको तुम क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। और x का वैल्यू क्या है हमारे पास, हमने x किसको एज्यूम किया है, 3.4573 बार। ठीक है, तो 3.4573 बार ये किसके इक्वल हो गया, 345/100 प्लस 73/9900। इसको तुम कैलकुलेट कर लो तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया, ये जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है।